उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी जिसको चाटा मारा जा रहा है, जो चाटे मार रहे हैं, उन दोनों की उम्र का आप मुआयना कीजिए। उन लोगों को नहीं पता है कि सांप्रदायिक नफरत क्या होती है, उन लोगों को नहीं पता है कि हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क होता है। जब नेता खराब होता है ना, जब नेता सांप्रदायिक होगा तो समाज पर इसका असर पड़ेगा, लेकिन जब कोई शिक्षक सांप्रदायिक होता है तो पूरी एक नस्ल खराब हो जाती है। आप सोच के देखिए, वो जो बच्चा है 5 साल 6 साल 10 साल जितने भी उम्र का वो बच्चा होगा, वो जिस प्रकार से बड़ा हो रहा है, जिस प्रकार से उसको स्कूली शिक्षा दी जा रही है, उसकी प्राथमिक शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, वो जब बड़ा होगा तो सबसे पहले तलवार वही निकालेगा। क्यों एक बच्चा जो है पिटता रहेगा और सारे बच्चे मारते रहेंगे? वो बच्चा कल होकर स्कूल जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? उसके बाद आप उसको जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर एक भीड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेताओं की रैली में जाकर नारे लगाए, नेताओं के पीछे जो भीड़ होगी उसमें कोई पोस्टर चिपका रहा होगा, उसमें कोई भैया में भैया नारा लगा रहा होगा, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा होगा, कोई इसका नारा, कोई उसका नारा। तो हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को एक भीड़ बना रहे हैं जो सांप्रदायिक स्तर पर, जातीय स्तर पर और अलग अलग धर्मों को लेके जो है, अलग अलग पार्टियों को लेके जो है, वो नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। जैसे माय दिन लिंचिंग की घटना देख रहे हैं, नासिर जुनैद को मारने वाला अपराधी जो है आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है इस देश में। और हरियाणा नूह में जो भी दंगे हुए, उसके बाद जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, वो किन किन घरों पर हुई, किनको चिन्हित करके अरेस्ट किया गया, किन के घर ढा दिए गए, तो ये भी देश के सामने है। समाज रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, समाज को हम लोग रेडिकलाइजेशन की तरफ झोंक रहे हैं। समाज क्या चाहता है? कि वो भीड़ बन जाए, सांप्रदायिक भीड़ बन जाए, दंगा करे, मार काट करे, अपनों को मारे, अपनों के घर जला दे, चाहता है क्या? जलते हुए घर पर हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उनकी कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। जिस प्रकार से वीडियो वायरल हुई मुजफ्फरनगर से, क्योंकि इससे पहले आपने जयपुर एक्सप्रेस वे ट्रेन की स्थिति देखी जहां पर गोली मारा गया नाम चिन्हित करके, अब ये वीडियो वायरल हुई, कहीं ना कहीं एक इंसानियत शर्मसार तो हुई है, क्या कहेंगे इस वीडियो पर आप? देखिए, नवाज देवबंदी का बहुत मशहूर शेर है, जलते हुए घर पर हंसने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, अगला मुकद्दर आपका है। उनकी कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरी कत्ल पर आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो समझने वाली बात यह है कि हम इस समाज को दे क्या रहे हैं, एक सांप्रदायिक भीड़ बना रहे हैं, उन्मादी भीड़ बना रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं? सोचने वाली बात यह है, उस बच्चे की उम्र क्या रही होगी जिसको चाटा मारा जा रहा है, जो चाटे मार रहे हैं, उन दोनों की उम्र का आप मुआयना कीजिए। उन लोगों को नहीं पता है कि सांप्रदायिक नफरत क्या होती है, उन लोगों को नहीं पता है कि हिंदू और मुसलमान में क्या फ़र्क होता है, उनको नहीं पता है, उनको इस बात की इल्म नहीं दी गई है कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ऊंच है, कौन नीच है। तो कहीं ना कहीं ये शिक्षा जो है वो घरों में दी जाती है, विद्यालयों में दी जा रही है, आस पड़ोस में दी जा रही है, वो जिस माहौल में जी रहे हैं, जहाँ वो पल बढ़ रहे हैं, वहीं दी जा रही है ना। तो आप एक तरीके से जब बच्चा जन्म ले रहा है, उसके बाद आप उसको जातीय आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर एक भीड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेताओं की रैली में जाकर नारे लगाए, जय श्री राम के नारे लगाए, अल्लाह हू अकबर के नारे लगाए, जो भी हो, तो इसके बाद उसका क्या वजूद रहेगा? इसमें गौर करने वाली बात क्या है ना, कि ये जो नेताओं के बच्चे हैं, आप गिनती के नेताओं को उठाइए, चाहे वो निशिकांत दुबे हो, चाहे वो स्मृति दुबे निरानी हो, चाहे वो पीयूष गोयल हो, चाहे वो कोई भी रविशंकर प्रसाद हो, इन लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? क्या ये उसी नेहा पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे सांप्रदायिक शिक्षा दी जा रही है? नहीं ना, वो तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। हाँ। विदेशों में पढ़ के आ रहे हैं, भारत में MLA MP बन रहे हैं, अमित शाह का बेटा BCCI का सेक्रेटरी बन जा रहा है, मोदी जी की संतान है, योगी आदित्यनाथ के बच्चे नहीं है, तो इन लोगों को परवाह ही नहीं है। अब इनको परवाह होनी चाहिए थी, उनके बच्चे तो यहाँ इंडिया में है ही नहीं, वो तो विदेशों में है, और जब वो पढ़ लिख के इंडिया में वापस आएंगे तो MP बन जाएंगे, MLA बन जाएंगे, कोई राजनाथ सिंह का बेटा नीरज सिंह विधायक बन जाएगा, तो उसके बाद क्या मिलेगा? स्मृति ईरानी की बेटी का रेस्टोरेंट खुल जाएगा। आपके बच्चे क्या करेंगे? वो जो नेता बनेंगे, उनके बच्चे उन नेताओं के पीछे जो भीड़ होगी उसमें कोई पोस्टर चिपका रहा होगा, उसमें कोई भैया में भैया नारा लगा रहा होगा, कोई जय श्री राम का नारा लगा रहा होगा, कोई इसका नारा, कोई उसका नारा। तो हम कहीं ना कहीं अपने आने वाली पीढ़ी को एक भीड़ बना रहे हैं जो सांप्रदायिक स्तर पर, जातीय स्तर पर और अलग अलग धर्मों को लेके जो है, अलग अलग पार्टियों को लेके जो है, वो नफरत का माहौल इस देश में पैदा किया जा रहा है। जैसा कि आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा जिक्र किया आपने, ट्रेन में जो हुआ, ट्रेन में आप इत्तेफाक कह सकते हैं कि उसने अपना आपा खो के गोली मार दी, सरकार भी यही कह रही है कि वो पागल हो गया, लेकिन केवल मुसलमानों को गोली क्यों मारी गई? और गोली मारने के बाद वो कहता है कि आपको मोदी योगी को वोट देना होगा, हिंदुस्तान में रहना होगा, तो
ये किस टाइप की मानसिकता है? उसके बाद इस घटना के बाद एक रिपोर्ट छपी थी बीबीसी की, मैं जब खबर पढ़ रहा था तो उसमें रिपोर्ट छपी थी कि उसके बाद भी एक औरत को ले जाकर के बंदूक ताना गया, उनसे जय माता दी बुलवाया गया, ये खबर छपी थी। तो हम देख रहे हैं ना, हम आए दिन लिंचिंग की घटना देख रहे हैं। नासिर जुनैद को मारने वाला अपराधी जो है आज भी गिरफ्तार नहीं हुआ है इस देश में। और हरियाणा नूह में जो भी दंगे हुए, उसके बाद जो बुलडोजर कार्रवाई हुई, वो किन किन घरों पर हुई, किनको चिन्हित करके अरेस्ट किया गया, किनके घर ढा दिए गए, तो ये भी देश के सामने है। आप एक दंगे के मास्टरमाइंड को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं तो देश को किस दिशा में देखना चाहते हैं? तो आपको लगता है कि समाज रेडिकलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है? समाज रेडिकलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहा है, समाज को हम लोग रेडिकलाइजेशन की तरफ झोंक रहे हैं। समाज क्या चाहता है कि वो भीड़ बन जाए, सांप्रदायिक भीड़ बन जाए, दंगा करे, मार काट करे, अपनों को मारे, अपनों के घर जला दे, चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है। कोई चाहता है क्या कि उसका पड़ोसी मर जाए? कोई चाहता है कि वो उसके पड़ोसी की हत्या कर दे? कोई चाहता है कि वो जिसके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, यदि किसी विश्वविद्यालय में, किसी नौकरी संस्थान में, किसी स्कूल में यदि दो बच्चे हैं और दोनों का धर्म अलग है और दोनों दोस्त हैं, तो क्या वो दोनों दोस्त चाहेंगे कि वो एक दूसरे की हत्या कर दे? कभी नहीं चाहेंगे ना। लेकिन ये सियासत है जो ये सब करवा रही है। सियासत के चक्कर में पड़ के लोग जो हैं आपसी नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। लेकिन जिस प्रकार से जो वीडियो वायरल हुई, आपने कहा कि मोदी जी निसंतान हैं, योगी जी निसंतान हैं, लेकिन जब वीडियो वायरल हुई तो इससे देश की छवि भी खराब होती है, क्योंकि जिस स्कूल में मानवता की शिक्षा दी जाती है, इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाता है, अब उस स्कूल के बारे में भारत को जोड़ करके अगर ऐसी खबरें चलने लगी तो इससे देश की भी छवि खराब होती है। देखिए क्या है ना कि जब नेता खराब होता है ना, जब नेता सांप्रदायिक होगा तो समाज पर इसका असर पड़ेगा, और ये हो सकता है कि जो असर होगा वो बहुत कम दिन के लिए हो। 5 साल वो सत्ता में है तो 5 दिन 5 साल के लिए हो, 10 साल सत्ता में है तो 10 साल के लिए हो। लेकिन जब कोई शिक्षक सांप्रदायिक होता है तो पूरी एक नस्ल खराब हो जाती है। आप सोच के देखिए, वो जो बच्चा है 5 साल 6 साल 10 साल जितने भी उम्र का वो बच्चा होगा, वो जिस प्रकार से बड़ा हो रहा है, जिस प्रकार से उसको स्कूली शिक्षा दी जा रही है, उसकी प्राथमिक शिक्षा जिस प्रकार से दी जा रही है, वो जब बड़ा होगा तो सबसे पहले तलवार वही निकालेगा। उसको तो बचपन से बताया जा रहा है ना कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये मोहम्मदन है, इसको जोर से मारो, तो वो बाद में जब तलवार निकालेगा तो जोर से काटेगा, गोली निकालेगा तो 2 राउंड ज़्यादा फायर करेगा। तो उन चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है, और उन लोगों को भी पहचानने की ज़रूरत है जो आज उस शिक्षिका जिसका नाम तृप्ति त्यागी है उसके समर्थन में खड़े हैं, कह रहे हैं कि वो विकलांग है, दिव्यांग है, वो उठ नहीं सकती थी इसीलिए बच्चों से पिटवा रही है। बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो उसका पक्षपात, जो उसका पक्ष रख रहे हैं, और पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि वो सभी के लिए कानून है उस विद्यालय में कि सभी बच्चे उठ के एक दूसरे को मारते हैं। और इसके अलावा जो है आपको वो कहते हुए पाए जाएंगे कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है। मैं ये कहता हूँ कि वैसी वीडियो आई क्यों? वैसा आपने व्यवस्था वहाँ बनाया क्यों? क्यों एक बच्चा जो है पिटता रहेगा और सारे बच्चे मारते रहेंगे? वो बच्चा कल हो के स्कूल जाएगा तो उसके ऊपर क्या बीतेगी? वो बच्चा जो अपने ही दोस्तों से पिटाई खा रहा है, मार खा रहा है, उसके ऊपर क्या बीतेगी कल हो के जब वो स्कूल में जाएगा? किस मुँह से वो सामने अपने क्लासमेट से चेहरा दिखाएगा? तो ये व्यवस्था बदलने की ज़रूरत है, और मैं तो चाहूँगा कि उस महिला की गिरफ्तारी हो, जो वो शिक्षिका है उसकी गिरफ्तारी हो, और वो लोग जो इसके समर्थन में हैं उनके ऊपर आप एक नज़र डालिए और दूरी बनाइए वैसे लोगों से। ये लोग समाज के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है, पॉइजन है।